इसके अंदर मैंने मच्छी बाहर से खरीद के लाया, अब मैंने इसको लाके डाला, आज के दिन सही है, आज की रात सही है, सेकेंड डे मॉर्निंग में उठता तो मरी भी पाया था वो, मेरी मच्छी जिंदा है वो मच्छी मर जाती है, इसका रीजन क्या है। तो फ्रेंड्स आज हमें परी फिश एक्वेरियम में और हमारे साथ में है हम सबके चाहते आरिफ भाई, और आरिफ भाई आज हमें एक बहुत ही अच्छे सब्जेक्ट के ऊपर में नॉलेज देने वाले हैं। जैसे कि फ्रेंड्स हम बहुत बार जो फिश है वो लेके जाते हैं, बट उस फिश को हमें हमारे जो नया एक्वेरियम रहता है या अदरवाइज ओल्ड एक्वेरियम रहता है उसमें कैसे ऐड करना है, प्रॉपरली ऐड न करने की वजह से हमारी जो फिश है वो मर जाती है, तो उसके बारे में आरिफ भाई हमें आज गाइड करने वाले हैं। तो आरिफ भाई इस पे कुछ फोकस कीजिए थोड़ा सा, कैसे करना है हमें ऐड फिश को, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, नॉलेज शेयर कीजिए। सबसे पहले मैं आप लोग का स्वागत करता हूँ, आरिफ मोमिन हूँ। मेरे पास जो भी मच्छी खरीदते हैं मेरे साथ में बहुत वैसा हुआ है, मैं इसके लिए वीडियो बना रहा हूँ मेरे पब्लिक के लिए और मेरे चाहने वालों के लिए। मच्छी लेते हैं, लेके जाते हैं यहाँ से खरीद के या फिर किसी भी दुकान वाले से खरीदते हैं, अपने टैंक एग्जांपल मेरा ही टैंक है, बराबर है ना, इसके अंदर मैंने मच्छी बाहर से खरीद के लाया, अब मैंने इसको ला के डाला, आज के दिन सही है, आज की रात सही है, बराबर, सेकेंड डे मॉर्निंग में उठता तो मरी भी पाया था वो, मेरी मच्छी जिंदा है वो मच्छी मर जाती है, इसका रीज़न क्या है। वही बहुत बार ऐसे ही देखने मिलता है अरे भाई कि हम जो नया फिश ऐड करते हैं ना वो यानी पहले दिन तो यानी थोड़ा अच्छा ही दिखता है, नॉर्मल दिखता है, बट जैसे ही दूसरे दिन वगैरह है ना वो एक तो स्लो हो जाता है, अदरवाइज डेड पाया जाता है, तो उसका वही थोड़ा सा उसके तो ऊपर थोड़ा सबके लिए सबके लिए बहुत से लोगों के साथ हुआ, आज मच्छी खरीदा ले जाने के बाद डाला और मर गई सेकेंड डे, ओके फिर भाई आरिफ भाई मच्छी लिया था मर गई वाली पहली वाली तो है, अभी आपकी जो दिए थे वो मर गई, भाई मैंने इधर से मच्छी लाया था मेरी पहली वाली जिंदा है वो वाली मर गई, इसके पास से मैंने लिया था वो मच्छी डाला था मेरी पहली वाली जिंदा है बाकी वो मर गई, वजह बताओ आरिफ भाई से क्या हुआ, ओके है ना, ये मेरे को सवाल आते हैं, मुझे कॉल आते हैं दिन भर, मेरे कॉल बसते रहते हैं, मुझे मैसेज स्टेप बाय स्टेप बता दीजिएगा। जैसे सब्सक्राइब फिशेस एंड प्लांट्स सो यू कैन सी अवर अपकमिंग वीडियोस। बताता हूँ कि आपने मच्छी खरीदा एग्जाम्पल, यस, कोई भी दुकान से खरीदा, किसी से भी, आप जहाँ पे कोई भी स्टेट में हो कहाँ से भी आपने मच्छी खरीदा, आप जो मच्छी लाते हो तो आपके दिमाग में एक ही चीज़ है कि भाई टेम्परेचर मेंटेन करना है, उसको लाके फ्लोटिंग करने रख दो, ओके, थैली लो उसके अंदर मच्छी लाओ बाहर से, मैंने फ्लोटिंग करने रख दिया भाई 10 मीटर का 15 मीटर का, मैंने टेम्परेचर मैच कर लिया, हाँ अब उसको पलटी मार दो, आपने टेम्परेचर मैच कर दिया, हो गया कहानी खत्म, मेरा टेम्परेचर मैच हो गया, मैंने बाहर से लाया था धूप से लाया था, मैंने धूप में चल के आया था, पानी गर्म हो गया था रस्ते में, तो फिर मैंने इसके अंदर डाला, मेरा उसका टेम्परेचर मैच हो गया पानी का, मैंने मच्छी लिया उठा के पलटी मार दिया टैंक के अंदर, अब मेरी मच्छी हो गई छोड़ दिया मैंने, ये तरीका सही नहीं है, गलत है, ओके। अब आप लोग को बताता हूँ, सबसे पहला मच्छी खरीदते हो कोई भी शॉप से, किधर से भी खरीदो, ऑल ओवर इंडिया से कहाँ से भी खरीदो, आप मच्छी खरीद लिया आपने, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपका टैंक है आपके पास जो मच्छी का टैंक है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पानी चेंज करना है 50% 75% पानी चेंज करना है, पहले से अगर पानी है तो उसका 50% वाटर हमें चेंज करना है विद न्यू वन, हाँ नया पानी भरेंगे डिक्लोरिनेशन ऐड करने के बाद, आप पानी भर दिए आपका मच्छी का पानी भी चेंज हो जाता है और आपका फिशेज भी कंडीशन में, जो पुराना मच्छी आपके पास वो भी कंडीशन में हो जाता है, इसका रीज़न क्या है कि मैं आपको पानी क्यों चेंज कराता हूँ उसके पीछे का राज बताता हूँ, अगर आपका पानी 15 दिन या 20 दिन पुराना है, आपने एक हफ्ता पहले 2 हफ्ते पहले आपने पानी चेंज किया था, उसके अंदर अमोनिया एसिड का लेवल बढ़ गया रहेगा, जो टॉयलेट है उसके नीचे पत्थरों में फंसी रहती है ना, आपने जो भी चीज़ें नीचे डाल के रखी हैं, हमका डिज़ाइन का सामान या शो का सामान आपने डाल के रखा है, उसके अंदर जो खाना है जो उसके टॉयलेट है जो वो टॉयलेट नीचे जाके फंस जाती है, उसके वजह से क्या होता है पानी का अमोनिया एसिड का लेवल बढ़ जाता है, है ना, तो इसके लिए आपका पानी पहले चेंज करा दिया मैंने, उसके बाद मच्छी लेके आ रहा हो, मच्छी लाया आपने, मच्छी ला के उसके अंदर छोड़ दिए भाई, इस तरह से एग्जांपल मैंने फाइटर छोड़ा हुआ, यहाँ पे देखेंगे आप फाइटर दिख रहा है, ये मैंने मच्छी बाय किया एग्जांपल, मच्छी मैंने बाय कर दिया, अब इसको मैंने छोड़ दिया फ्लोटिंग के लिए, भाई फ्लोटिंग के लिए रखो इसकी हो, अभी क्या है भाई थोड़ा रुकते बाद में छोड़ेंगे इसको, है ना, मैंने फाइटर खरीदा इस टाइप से, हाँ आप लेके आते हो मार्केट से एकदम खुशी खुशी लेके आते, अब इसके अंदर आप उसको रखियो फ्लोटिंग के लिए, आप आराम से दूसरा दूसरा काम कर लिया, बैठ गए थोड़ा इंतजार कर लिया, घड़ी का टाइम देख लिया भाई कितना टाइम हो गया, हाँ 10 मिनट पहले मैंने छोड़ा था अभी हो गया रहेगा, बोले हाँ अभी देखते, बोले हो गया, हाँ सही हो गया, अब क्या करते आप इसको लेते, इसको इस तरह से ओपन कर देते और इसको इस तरह से पलटी मार देते इस तरह से पानी में, है ना, तो आप लोग को इसका तरीका बताता हूँ मच्छी खरीदने के बाद क्या करना है, ये मच्छी मैंने मार्केट से खरीदा एग्जाम्पल, ओके ये बेटा फिश एलिफेंट ईयर मैंने खरीदा हूँ, अब मुझे डेटा में डालना है इसको, तो मुझे क्या करता है, मैंने लेने के बाद सबसे पहला फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैंने किया टेम्परेचर मैच, ये हो गया आपका फर्स्ट, आपने किया मैंने किया, है ना, ये कर लिया, ये आपको पता है यहाँ तक पता है, इसके आगे कहानी मालूम नहीं है, ये लिया मैंने, अब हो गया मेरा 15 मिनट 20 मिनट हो गया एग्जाम्पल, आधा घंटा हो गया मैंने रख दिया, टेम्परेचर मैच हो गया इसका उसका मैच हो गया, अब मुझे क्या करना है इसको, अब आपके पानी के अंदर का TDS और मेरे पानी का TDS जिधर से खरीदा मैंने उसका अलग है, मेरा आपका अलग है,
बराबर है ना, यस, दोनों का अलग अलग है। अब मेरे को दोनों को मैच करना है पानी के टीडीएस को। अभी इसको मैं ले जाके दूसरे पानी में सडनली डालूंगा तो टिकने वाली नहीं, मर जाएगी वो भी। पानी का टीडीएस अलग अलग है दोनों का। क्या होता है टीडीएस अलग होने का रीजन आपको बताता है, शॉपकीपर पानी चेंज करते हैं कंटिन्यूअसली, चेंज करते रहते तो उनका हफ्ते में तीन बार कम रहता है पानी का टीडीएस, हल्का पानी हो जाता है। और आपका रखा हुआ है महीना भर, 15 दिन पुराना, दो हफ्ता पुराना, तो वजनदार हो जाता है पानी, वजन हो जाता है, टीडीएस बढ़ जाता है, है ना। तो आपको क्या करना है, ये मच्छी खरीदे, इसको ओपन करो। इसको ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, ये ओपन कर लिया आपने, ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, आपका डेंगा पानी, अब जो भी बैग में आपने लाया हो आपके टैंक का पानी आपको मग से इसके अंदर ऐड करना है, थोड़ा सा ऐड करना है इसके अंदर। 50% पानी है, 50% पानी आपको ऐड करना है इसके अंदर, आधे को आधा, 50% ऐड कर दिए, फिर आपको इसको रखना है इस तरह से। ऐड करने के बाद थोड़ा सा पानी ऐड करके फिर से रख दीजिए, फिर से रखना है 5 मिनट। ओके, आफ्टर 5 मिनट्स ठीक है, उसको मैच होने के लिए। अब हमारा टीडीएस तुम्हारा टीडीएस मैच हो गया, एक्चुअली टेम्परेचर भी मैच हो गया और आपका जो टीडीएस है वो भी मैच हो गया। हाँ, अब उसके बाद आपको क्या करना है, इसको आपके पानी में स्लोली ऐड कर देना, पलटी मार देना है इसको, ये मच्छी को। ओके, तो आपका टेम्परेचर भी मैच हो गया, टीडीएस भी मैच हो गया, आपने पानी पहले ही चेंज कर चुका है, आपका अमोनिया खत्म हो चुका है, आपको ओनली फॉर टीडीएस मैच करना है। ओके, आप इसको लिए पलटी कर दिया, अब आपका मच्छी टकाटक, नो प्रॉब्लम, अभी फिश को आपके कुछ नहीं होगा। पर आपको एक चीज ध्यान में रखना है, नया मच्छी लाने के बाद सबसे पहली चीज 24 आवर्स फीडिंग नहीं करना है। ओके, 24 आवर्स फीडिंग नहीं करना है, 24 घंटा। ओके, इसका रीजन बताता हूँ, 24 घंटा क्या होता है, इसका रीजन है कि मच्छी जो नहीं लाते स्ट्रेस में हो जाती, थैली में हिल धुल के आती है ना रस्ते में। ओके, ओके। आप जैसे भी लेके आते हो, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जितना भी दूर से आप लाते हो, अदर सिटी से लाते हो, अदर स्टेट से लाते हो आप, तो आपका मच्छी जो होता है नया नया खाना नहीं खाएगा। ओके, तो आपको क्या करना है, 24 घंटा खाना नहीं देना, उसके बाद में आप उसको, उसके बाद आप उसको फीडिंग करना है आपको, है ना। अगर आपकी मच्छी पहले से पड़ी है, आपके ऑलरेडी पहली पुरानी मच्छी पड़ी है, तो आपको क्या करना है, पहली मच्छी को खाना डालो, पानी चेंज करो, उसके बाद, उसके बाद मच्छी आपको टीडीएस मैच करो और पानी मच्छी छोड़ दो। ओके, और एक सवाल है आदि भाई कि अगर हमारा नया टैंक है, नया टैंक अभी हमने ले लिया, हाँ, नया टैंक लेके गए घर पे, हाँ, उसमें पानी डाल दिया, हाँ, और फिर नया फिश लेके गए और फिश डाल दिया, तो ये भी सही तरीका है कि नहीं? आपका टैंक साइज कितना उस पर डिपेंड है, आपका अब जब नया टैंक लेते हो ना, तो आपको सबसे पहले जरूरी क्या है, क्लोरीन रिमूवर डीक्लोरिनेशन ऐड करना, क्योंकि उसमें पूरा नया वाटर है ना, नया वाटर आपने टैप वाटर डाला है या आपने बोरिंग का पानी डाला, तो आपको कुछ नहीं करना है, बट इतना है कि आपको आपका जो दुकान से आप शॉप से मच्छी खरीदो उसके पास तो बोरिंग का पानी है या नहीं आपको नहीं पता है। अगर वो बोरिंग के पानी वाला है, आप बोरिंग के पानी वाला, तो इट्स ओके, कुछ प्रॉब्लम नहीं, आपकी मच्छी नहीं मरेगी। अगर उसका टैप वाटर है, आपका बोरिंग का पानी, आपका टीडीएस हैवी है, वजनदार है आपका टीडीएस, तो वो मच्छी आपके पास नहीं टिकना है, आप ले जाके डालो, उसको मरना ही मरना है। ओके, मैच नहीं होएगा। डीक्लोरिनेटर जो बोला है आपने, हां, डीक्लोरिनेशन टैप वाटर हम यूज करेंगे, हां, तो डीक्लोरिनेटर यानी क्या है, अगर कुछ डीक्लोरिनेशन मतलब होता है कि व्हाइट लिक्विड, एग्जांपल ये दिस वन, ये ओके, ये एक्वेरियम शॉप में कहीं पे भी मिल जाएगा ना अभी भाई? ये एक्वेरियम शॉप में मिलता है इजीली। ओके, इसके अंदर बहुत सारी साइज आती है, 1 लीटर का, आधा लीटर का, ये छोटी बॉटल आती है। तो ये कितना ऐड करना है ऐसा, आपकी टैंक साइज पे डिपेंड है आपको कितना डालना है। ओके, है ना, अगर आपका 1.5 फीट का टैंक है तो आपको 3 से 4 ढक्कन, 2 फीट का टैंक है 4 ढक्कन, है ना, उसके अलावा बड़ा टैंक है तो उससे ज़्यादा डालो, 5-6 ढक्कन, और उससे बड़ा है तो उससे ज़्यादा पानी को, हाँ, थोड़ा इसको रुकना पड़ेगा आपको, 5 मिनट 10 मिनट रुकने का है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको मच्छी जब डालते हैं सेम तरीका, आपका नया पानी है, आपका नया उसका जूना पानी है दुकान वाले का, उसने 2 दिन बाद किया पानी चेंज या कब किया पता नहीं आपको, आपको क्या करना है, वही प्रोसेस जो मैंने बताया, मच्छी खरीदे बाई की है, अब उसके अंदर आपको क्या करना है, आपका टैंक का पानी डिक्लोरिनेशन किया हुआ है आपके पास, आपने क्लोरीन रिमूव कर दिया उसके अंदर, क्लोरीन उड़ा दिया आपने, अगर आपका टैप वाटर है तो, अगर आप बोरिंग है तो प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको प्रोसेस सेम करना है जो मैंने बताया, क्योंकि उसका नॉर्मल पानी है, टैप का है आपका, बोरिंग का है, तो आपको वो प्रोसेस करना है जो मैंने बताया, पानी ऐड करके, पानी ऐड करके, क्योंकि उसको सडनली बोरिंग का पानी मिलेगा, हैवी डेडिस तो चल देंगे वो एक है, हाँ, अगर उसका जूना पानी है उसके पास में 2 दिन बाद या हफ्ते भर बाद पानी चेंज किया रहेगा बंदे ने, आप लाके नए पानी में डाल दे तो भी मच्छी हिलेगी। ओके, तो आपको सेम प्रोसेस करना, पानी ऐड करके डालना, प्रोसीजर सेम ही है आपका,
बस थोड़ा सा ध्यान रखें कि जब भी नया टैंक लेते हैं तो डिक्लोरिनेटर मस्ट है आपके लिए, तो रिमेनिंग प्रोसीजर जो है वो दोनों के लिए सेम है। हाँ, उसके अलावा आपको अगर आप मच्छी नहीं लेते तो आपको जो भी शॉप से आप खरीदते हो तो आपको ब्लू लिक्विड, मैथिलीन ब्लू, येलो लिक्विड ये भी बाय करना, व्हाइट लिक्विड भी बाय करना है, आपको एक हीटर भी लेना है साथ में। समझे, ये चीज़ें तो हाँ, ये चीज़ें जरूरी है। क्या होता है कि ये सब चीज़ें मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको खरीदने के लिए, इन फ्यूचर में रात भी रात में आपके मच्छी के साथ कुछ भी हो जाता है तो आप ट्रीटमेंट जो है वो तुरंत चालू कर सकते हैं। 12 घंटे का टाइम चले जाएगा ना आपके पास रात में से, है ना, तो सुबह तक तो उसका भी लाशें निकलेंगी, उसमें से आपको फेंकना है सिर्फ निकाल निकाल के। तो इसके लिए आप मेडिसिन रेडी रखो, रात में लगा आपको, रात में आया काम से आ गए या कहीं से भी आ गए आप, तो आपने देखा कि भाई मेरी मच्छी बीमार लग रही, चलो तुरंत भाई पानी निकाल लो, पानी चेंज कर दो, हो गया, मेडिसिन पड़ी है भाई क्या है, व्हाइट स्पॉट है ब्लू डाल दो, हीटर चालू कर दो, है ना भाई क्या है, फंगस है भाई चलो येलो लिक्विड डाल दो, मेडिसिन ले लो भाई पहले रख दो लेके, टेट्रासाइक्लिन वगैरह जो भी है मेडिसिन एंटीबायोटिक में जो भी मिलेगा। ऊपर में हमने सेपरेट वीडियो बनाया फ्रेंड्स, तो उसके वजह से अगर आपको वो डिटेल में वीडियोस देखने हैं तो वो वीडियोस देख लीजिए हमारे, उसमें पूरा ट्रीटमेंट का तरीका बताया है आरिफ भाई ने, सेम प्रोसेस है, ट्रीटमेंट आपको करना है, वीडियोस देखिए, बहुत सारे वीडियोस बनाया हो इसके ऊपर, तो ट्रीटमेंट के लिए आप सेपरेट वीडियो देखिए, इसमें हम उसको इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। सो आरिफ भाई कंटिन्यू कीजिए। तो फिर इसको आपको क्या करना है, वो जो भी रात में से आपका प्रॉब्लम है वो मैं नए टैंक वालों के लिए बता रहा हूँ, जो बिगिनर है जिसके लिए उन लोग के लिए चीज बता रहा हूँ मैं, आपको चीजें पहले से लाके रखना, आपको ऐड कर दो सुबह तक आपकी मच्छी ठीक हो जाएगी, फर्क पड़ेगा क्योंकि 1 से 2 दिन लगता है ट्रीटमेंट, कभी कभी 3 दिन भी लगता है, बट आपकी मच्छी बच जाएगी। यानी जितने जल्दी ट्रीटमेंट, आरिफ भाई बोल रहे हैं कि जितने जल्दी आप ट्रीटमेंट चालू करोगे, कैसा होता है कि एग्जांपल मैं आप लोग को एग्जांपल बताता हूँ, अगर मैं रात में बीमार पड़ गया, एग्जांपल मैं खुद, मुझे कुछ हो गया रात में, तो मैं सुबह तक का इंतजार नहीं करूंगा ना, नहीं तो फिर मेरे को लेके आना पड़ेगा 4 घंटे पे, है ना, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, रात में तो तुरंत भाग जाऊंगा हॉस्पिटल में, है ना, रात में ही करूंगा ना, बीमार हूंगा ज्यादा, मेरे को प्रॉब्लम होने लगा तो मैं रात में हॉस्पिटल में चले आऊंगा, ज्यादा प्रॉब्लम है मुझे। आपने फिश को भी वैसे ही ट्रीटमेंट, सेम प्रोसेस है। हाँ, मैं अपने भी बता दिया, बहुत ही यानी आपने पूरा क्लियर कर दिया माइंड से कि अगर हम फिश लेके जाते हैं नहीं एक्वेरियम शॉप से तो हमें क्या प्रायोरिटी देना है, फिश को उसका टेम्परेचर मैच करना है, उसका टीडीएस मैच करना है, और फिश ऐड करने से पहले हमें 50% वाटर भी चेंजेस करने हैं, ये सब करने से हमारा जो फिश है वो जो ऐड करेंगे वो बहुत ही अच्छे से रहेगी और लॉन्ग टाइम तक चलेगी। सॉरी भाई, बहुत ही थैंक यू वेरी मच इसके लिए, नॉलेज देने के लिए। जो मैंने आप लोग को तरीका बताया हो, ये वाला जो ये जो करने का तरीका है, मच्छी लेने के बाद से लेके आपको घर तक ले जाने, खरीदने के बाद से लेके घर तक ले जाने तक का आपको प्रोसेस बताया हूँ मैंने, आपको अभी किसी का मोहताज नहीं बनना पड़ेगा कि भाई वो दुकान वाले को पूछूँ, उसका नंबर दे भाई, तेरा नंबर दे, कल को कुछ हुआ मेरे मच्छी को तू फोन करके तुझको पूछूंगा मैं, ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, मैंने तुम्हारे तुम्हारे भाई ने तुमको सब बता दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दिया है फ्रेंड्स, तो उसके वजह से अगर आपको वीडियो में कुछ डाउट आता है तो आप वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ के भी आपको क्लियर हो जाएगा, उसके वजह से कोई प्रॉब्लम करने की बात नहीं है। और वैसे भी कुछ नहीं समझ में आएगा तो जाओ गूगल पे सर्च मार लो, नहीं यूट्यूब पे सर्च मार लो, डाल दो, मेरे डिटेल्स आते रहेंगे, वीडियोस निकलते रहेंगे, आप देखते रहो, आपका नॉलेज बढ़ते रहेगा इजी तरीके से। यार मेरे को कोई दुकान खोल के नहीं बैठा, मुझे बेचना है करना है, समझे, ये पालो यार, सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे यार, नहीं तो कुछ नहीं होता है, मैं खुद भी जीरो से हीरो बनाऊँ ना, मैं भी कुछ नहीं था, समझे, इसके लिए खुद करो खुद सीखेंगे। ओके चलो दुआ में याद रखो, भुला चुका माफ। ओके चलिए बाय। ऊपर में जो सर्कल दिया है उस पर क्लिक कीजिए और फिशेस एंड प्लांट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।